प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना संकट के बीच मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल में 30 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बाद सरकार ने मैट्रिक और इंटर एग्जाम्स को भी रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बनर्जी ने शनिवार को दी। राज्य सरकार का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक तरफ लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, दूसरी तरफ मैट्रिक और इंटर परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया गया है। इसके पहले 1 जून से मैट्रिक और जून के मध्य से इंटर एग्जाम्स की तारीखें निश्चित की गई थी। इसके पहले प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत बसु ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तय करेंगे कि मैट्रिक परीक्षाएं होंगी या नहीं। अब साफ हो गया है कि माध्यमिक परीक्षा होना संभव नहीं है। इसके अलावा इंटर की परीक्षा भी टालने का फैसला लिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1 जून 2021 से मैट्रिक की परीक्षा कराने का ऐलान किया था। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक काउंसिल ने कहा था कि इंटर एग्जाम्स होम सेंटर में अपने तय समय पर होंगे, लेकिन अब इस इम्तिहान को भी टाल दिया गया है। CBSE के अलावा ICSE समेत कई बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को पहले ही रद्द कर दिया था। सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में शुमार पश्चिम बंगाल पर बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का दबाव था, जिसके बाद राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। अगर बंगाल में कोरोना संक्रमण की बात करें तो लगातार बढ़ते केस के बीच राज्य सरकार ने 16 से 30 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं रहने की बात कही गई है। इसके साथ ही फल, सब्जी और राशन की दुकानों को सुबह 7 से 10 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया है, जबकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों के घरों से बाहर निकलने की मनाही है। इस अपडेट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।